हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले दो लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस की, सर्किट एनालिसिस के लिए मेश एनालिसिस और नोड एनालिसिस किया, फोर टर्मिनल नेटवर्क के बारे में डिटेल से पढ़ा और अब हम लोग कुछ थ्योरम्स के स्टेटमेंट और प्रूफ करेंगे। इन थ्योरम्स को भी हम सर्किट एनालिसिस में यूज़ करते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम से। सुपरपोजिशन या अध्यारोपण, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ किसी एक पॉइंट पर अगर मिलती हैं तो उनका हम सम, एल्जेब्रिक सम या बीजगणितीय योग लेते हैं। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी रैखिक प्रतिबाधाओं के जाल में दो या दो से अधिक जनित्र जुड़े हों तो उनके किसी बिंदु के से प्रवाहित धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है, जबकि दूसरे जनित्र को उनके आंतरिक प्रतिबाधाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इट स्टेट्स दैट फॉर अ लीनियर सिस्टम द रिस्पॉन्स करंट और वोल्टेज इन एनी ब्रांच इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिस्पॉन्सेज करंट और वोल्टेज ड्यू टू ईच सोर्स एक्टिंग इंडिपेंडेंटली with all other sources replaced by their internal impedances। तो किसी सर्किट में अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा जनरेटर्स हैं, जनित्र हैं, तो हर एक की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है किसी पॉइंट पर, टोटल करंट जो है एल्जेब्रिक सम होगा हर इंडिविजुअल जनरेटर की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है। और जब एक जनरेटर की वजह से हम करंट नोट कर रहे हैं तो बाकी सारे जनरेटर्स को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे या उनको उनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो जैसा फिगर में दिखाया हुआ है, हमारे पास दो जनरेटर्स हैं, एक का वोल्टेज E1, दूसरे का E2। किसी एलिमेंट सपोज Z1 पर हम अगर करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो अगर फर्स्ट सर्किट हम ले रहे हैं जब दोनों जनरेटर्स कनेक्टेड हैं, तो अगर हम इक्वेशंस लिखेंगे तो E1 आएगा I1 इंटू Z1 प्लस Z3 प्लस I2 Z3 और E2 होगा I1 Z3 प्लस I2 Z2 प्लस Z3। इनको सॉल्व करके हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो I1 की वैल्यू आ रही है Z2 प्लस Z3 इंटू E1 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 माइनस Z3 इंटू E2 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। अब अगर हम सिर्फ E1 जनरेटर कंसिडर करते हैं तो E1 की वजह से सपोज Z1 में I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हुए I1 की वैल्यू क्या आएगी, E1 अपॉन Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। या इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगी E1 इंटू Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। अब दूसरे केस में हम अगर सिर्फ E2 कंसिडर कर रहे हैं, E1 को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो अगेन Z1 के थ्रू जो करंट आ रहा है I1, तो I1 की वैल्यू क्या होगी, E1 अपॉन Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा E2 इंटू Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। तो क्योंकि I1 की डायरेक्शन I1 के ऑपोजिट है तो टोटल करंट, रिजल्टेंट करंट क्या हो जाएगा, I1 माइनस I1। सो सिमिलरली वी कैन सी दैट I1 इज इक्वल टू I1 माइनस I1। दैट मीन्स करंट थ्रू एनी एलिमेंट Z1 के थ्रू जो टोटल करंट आ रहा है जब E1 और E2 दोनों सर्किट में कनेक्टेड हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी, E1 की वजह से जो करंट है वो और E2 की वजह से जो करंट है वो, दोनों का जो एल्जेब्रिक सम है वो हमें टोटल करंट देगा। वी कैन सिमिलरली प्रूव फॉर I2 ऑल्सो, बट एक केस में अपन ने कर लिया है। सो दिस प्रूव्स द सुपरपोजिशन थ्योरम कि करंट पासिंग थ्रू Z1 में से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो किसका बीजगणितीय योग है, E1 की वजह से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका और E2 की वजह से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका। सो दिस इज द सुपरपोजिशन या थ्योरम या अध्यारोपण प्रमेय। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थेवेनिन थ्योरम या थेवेनिन प्रमेय।
थेवेनिन प्रमेय के अनुसार ऊर्जा स्रोतों या जनित्रों तथा प्रतिबाधाओं से युक्त कोई भी द्वि टर्मिनल रैखिक जाल एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिसमें केवल एक वोल्टता स्रोत E इक्विवेलेंट व श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट होती है। वोल्टता स्रोत का विद्युत वाहक बल E इक्विवेलेंट दिए हुए जाल के टर्मिनलों को खुला रख उनके मध्य वोल्टता के तुल्य होता है तथा प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट इन टर्मिनलों के मध्य मापित प्रतिबाधा होती है जबकि सब ऊर्जा स्रोत हटाकर उन्हें उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। और अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम एनी टू टर्मिनल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ जनरेटर्स एंड इम्पीडेंसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वोल्टेज सोर्स ई इक्विवेलेंट एंड एन इम्पीडेंस जेड इक्विवेलेंट इन सीरीज विद इट वेयर ई इक्विवेलेंट इज द ईएमएफ ऑफ द वोल्टेज सोर्स व्हेन द टू टर्मिनल्स आर ओपन and Z equivalent is the total impedance between these two terminals when all the voltage sources have been short-circuited but their internal impedance if any is considered. तो Thevenin's theorem का क्या purpose है? हमारे पास कोई भी complicated network है उसको हम simple form में एक voltage source और उसके series में एक impedance से represent कर सकते हैं। Voltage source क्या है? जिन दो टर्मिनल्स के बीच में हम थेवेनिन इक्विवेलेंट लगा रहे हैं उन दो टर्मिनल्स को जब हम खुला रखते हैं तो उन दो के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, उनके बीच में विभवांतर कितना है जब उन्हें हमें खुला रखा हुआ है, ओपन सर्किट है। और जेड इक्विवेलेंट क्या है? अगेन उन दो पॉइंट्स के बीच में जो इक्विवेलेंट इम्पीडेंस या टोटल इम्पीडेंस आ रही है। तो जैसा हम फिगर में देख रहे हैं हमारे पास ये एक सर्किट है, ई जनरेटर लगा हुआ है, Z1, Z2, Z3 कनेक्टेड हैं और ZL लोड रेजिस्टेंस है। इस पूरे सर्किट को हम इक्विवेलेंट फॉर्म में शो कर सकते हैं, ई इक्विवेलेंट उसके सीरीज में Z इक्विवेलेंट और ZL के थ्रू I करंट फ्लो कर रहा है। नोट, अगर ये दोनों सर्किट्स इक्विवेलेंट हैं तो ZL के थ्रू जो करंट I फ्लो कर रहा है वो दोनों केस में सेम रहना चाहिए। तो पहले हम इस मेन सर्किट का किरचॉफ्स लॉ से एनालिसिस कर लेते हैं। तो E की वैल्यू क्या हो रही है? Z1 प्लस Z3 इंटू I1 माइनस Z3 I। और सेकेंड मेश में अगर अपन लगाते हैं तो 0 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z3 प्लस ZL इंटू I माइनस Z3 I1। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास I की वैल्यू आती है E Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3 प्लस ZL इंटू Z1 प्लस Z3। सेकेंड पार्ट में अगर हम ये मान रहे हैं कि E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट है तो I की वैल्यू क्या होगी? सिंपल, E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। अब E इक्विवेलेंट क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन द पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स अपन ने दिखा रखे हैं। तो इन दो को जब अपन ओपन करते हैं तो ऑब्वियसली Z2 सर्किट में नहीं आएगा, हमारे पास Z3 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इक्विवेलेंट वोल्टेज होगी। तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? E अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू Z3। और Z इक्विवेलेंट क्या होगा? अगेन इम्पीडेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, जब इन दो पॉइंट्स पे हम देख रहे हैं तो Z2 तो सीरीज में है और फिर Z1 और Z3 पैरेलल में है, तो Z इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो I में हम ये सब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, E इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट, तो हम ये देखेंगे कि I की वैल्यू दोनों केसेस में सेम है। That means ये जो right में हमने circuit बनाया हुआ है, this circuit is equivalent to the circuit on the left. That means Thevenin equivalent circuit true है, Thevenin's theorem is correct. Next we move on to the third theorem, maximum power transfer theorem, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। जैसा नाम suggest कर रहा है, इस theorem से हमें वो condition मिलती है कि कब जनरेटर से लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है। तो जब किसी परिपथ में लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होती हैं तो स्रोत से लोड को संचारित शक्ति का मान अधिकतम होता है। पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सोर्स टू लोड इज मैक्सिमम
when the load impedance is complex conjugate of the internal impedance of the source. तो अब इस सर्किट में कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट कर दिया, E इक्विवेलेंट, उसके सीरीज में Z इक्विवेलेंट और ZL लोड है, I करंट फ्लो कर रहा है. सो Z इक्विवेलेंट हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस ले रहे हैं, तो Z इक्विवेलेंट किसके बराबर है, R इक्विवेलेंट प्लस JX इक्विवेलेंट, मतलब R तो रेजिस्टेंस का फॉर्म है और X इक्विवेलेंट में क्या होगा, इंडक्टेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसमें करंट और वोल्टेज अलग अलग फेज में है, तो इंडक्टेंस हो सकता है, कैपेसिटेंस हो सकता है या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है. जेड एल भी वही उस फॉर्म में हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले रहे हैं, आर एल प्लस जे एक्स एल, दैट मीन्स ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं. तो सर्किट में करंट आई किसके बराबर होगा, ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो ई इक्विवेलेंट किसके बराबर हुआ, सॉरी ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट है आर इक्विवेलेंट प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट, और जेड एल क्या है, आर एल प्लस जे एक्स एल. तो रियल पार्ट्स को हमने एक तरफ कर लिया, इमेजिनरी पार्ट्स को एक तरफ कर लिया, तो आई की वैल्यू क्या हो रही है, ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल प्लस जे एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल. नाउ पावर ट्रांसफर टू लोड हमें जो निकालना है, लोड को संचारित शक्ति कितनी होगी, आई स्क्वेयर आर, आई की वैल्यू अपन ने यहाँ डाल ही दी, तो ई इक्विवेलेंट स्क्वेयर अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल का स्क्वायर इंटू आर एल. नोट यहाँ पर हम एक्स एल नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक्स एल इंडक्टेंस है या कैपेसिटेंस है, वहाँ पे एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज ज़ीरो क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज और करंट में पाई बाय टू का फेज डिफरेंस होता है. तो एवरेज पावर आप लोगों ने ट्वेल्थ में किया होगा, शक्तिहीन धारा जो होती है जहाँ पे कोई पावर कंज्यूम नहीं होती, तो इंडक्टेंस हो या कैपेसिटेंस हो वहाँ पे पावर कंज्यूम्ड इज ज़ीरो, इसीलिए हमने सिर्फ आर एल लिया है. अब ये पावर हमें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम कब होगी, जब डिनोमिनेटर मिनिमम है. आर इक्विवेलेंट और आर एल तो दोनों पॉजिटिव हैं, बट एक्स इक्विवेलेंट और एक्स एल प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. तो एक कंडीशन तो ये हो जाए कि अगर ये ज़ीरो हो जाए तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, तो एक कंडीशन तो ये हो गई हमारे पास, एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल इज ज़ीरो, तो क्या हो गया, एक्स एल किसके बराबर आ गया, माइनस एक्स इक्विवेलेंट. अब पावर कितनी बची, ई इक्विवेलेंट स्क्वायर आर एल अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का होल स्क्वायर. अब हम क्या वैल्यू लें आर एल की के पावर मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम पावर के लिए हम क्या कर सकते हैं, डी पी बाई डी आर एल को ज़ीरो कर दिया. आपको मालूम है मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट डिफरेंशियल ज़ीरो है, तो डी पी बाई डी आर एल इज़ ज़ीरो, तो डी बाई डी आर एल पी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, ये ज़ीरो है. तो अगर हम इसका डिफरेंशियल कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, इक्विवेलेंट स्क्वायर आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल का रेज़ टू पावर माइनस टू प्लस इक्विवेलेंट स्क्वायर आर एल इंटू माइनस टू आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल रेज़ टू पावर माइनस थ्री इज़ ज़ीरो. तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ब्रैकेट में ये आ गई हमारे पास टर्म, आर एक्स प्लस आर एल ज़ीरो हो नहीं सकता बिकॉज दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या ज़ीरो होगा, ई इक्विवेलेंट स्क्वायर आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल माइनस टू इक्विवेलेंट स्क्वायर आर एल इज़ ज़ीरो. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, आर एल इज़ इक्वल टू आर इक्विवेलेंट. तो आर एल तो आर इक्विवेलेंट के बराबर है और एक्स एल माइनस एक्स इक्विवेलेंट के बराबर है, दैट मीन्स जेड एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, आर एल प्लस जे एक्स एल, और वो किसका होगा, आर इक्विवेलेंट माइनस जे एक्स इक्विवेलेंट, दैट मीन्स द लोड इम्पिडेंस इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जनरेटर इम्पिडेंस. जो लोड की प्रतिबाधा है वो जनित्र की प्रतिबाधा के संयुग्मी होगी, तो जनित्र से लोड पर अधिकतम शक्ति का संचरण होगा. दिस इज द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम. सो ओनली व्हेन द लोड इम्पिडेंस इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ द जनरेटर विल मैक्सिमम पावर बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेटर टू द लोड. तो ये तीन थ्योरम्स हम लोगों ने कर लिए हैं. अब नेक्स्ट तीन थ्योरम्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे, उसमें हम
नॉर्टन्स थ्योरम करेंगे। यहाँ पे हमने वोल्टेज इक्विवेलेंट सर्किट थेवेनिन्स थ्योरम किया है, वहाँ पे हम करंट इक्विवेलेंट सर्किट नॉर्टन्स थ्योरम करेंगे, और उसी के साथ कंपनसेशन थ्योरम और सब्स्टिट्यूशन थ्योरम करेंगे। तो ये तीन थ्योरम्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।